Children, today we will do comprehension passage. First of all, I'll read and explain the passage to you. After that, we'll find out the answers from this passage. The answers of the questions from this passage. A potter returning from the town after selling his jugs and jars, fell asleep under a mango tree. एक बार एक पॉटर था. पॉटर पता क्या होता बेटा? Who makes pots or the utensils with clay? जो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, मिट्टी के कुम्हार जिसको बोलते हैं, वो होता है पॉटर. एक बार वो किसी शहर से वो अपने पॉट्स वगैरह, जग्स थे उसके, जार्स थे, इस तरह के जो उसके पास पॉट्स थे, बर्तन थे, वो सेल करके, बेच करके वो वापस आ रहा था. रास्ते में वो थक गया. थक कर उसने क्या किया, एक मैंगो ट्री के नीचे, आम के पेड़ के नीचे वो लेटा और आराम करने लगा और उसको नींद आ गई, वो सो गया. सम मंकीज स्टोल हिज पॉट्स एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री. कुछ मंकीज जो थे वो आए और उन्होंने क्या किया, उसके पॉट्स जो थे वो उठा लिए, वहाँ से चोरी कर लिए पॉट्स. स्टोल, स्टील की, स्टील का पास्ट टेंस है स्टोल, तो इसका मतलब होता है स्टील का चुराना. उन्होंने उसके बर्तन चुरा लिए और चुरा कर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए. दे सैट देयर चैटरिंग एंड प्लेइंग विद ब्राइटली कलर्ड डिशेस. उसके जो पॉट्स थे ना, बहुत सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स के थे, बड़े सुंदर सुंदर कलर्स के थे. और उन्होंने क्या किया, वो बैठ गए पेड़ पर और वो खेलने लग गए उन पॉट्स के साथ और चैटरिंग करने लग गए. चैटरिंग क्या होती है, मंकी की साउंड होती है ना, चैटर. मंकी की साउंड को हम चैटर बोलते हैं. तो वो आपस में जो है आवाज़ें निकालने लग गए, चैटर करने लग गए. व्हेन द पॉटर वोक अप एंड सॉ व्हाट हैड हैपेंड, ही वॉज फ्यूरियस. जब पॉटर ने उठ करके देखा, पॉटर की नींद खुली तो उसने देखा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया. फ्यूरियस मीन्स गुस्सा आना. उसको बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा. ही शुक हिज फिस्ट एंड शाउटेड एट द मंकीज. शुक क्या होता है बेटा, हिलाना, जोर जोर से ऐसे ऐसे हिलाना. उसने अपनी मुट्ठियों को जोर जोर से ऐसे झिझोड़ना शुरू कर दिया. ये क्या है, शुक जो है शेक की जो है पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस फॉर्म है शेक की. शेक करना, हिलाना होता है ना, तो शुक उसने ऐसे मुट्ठियों को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया. फीस्ट होती है मुट्ठी, ऐसे हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, दैट इज़ द फीस्ट. तो उसने जो है ऐसे अपनी मुट्ठियों को हिलाना शुरू कर दिया गुस्से में. उसको गुस्सा आ रहा था और वो मंकीज के ऊपर चिल्लाने भी लग गया, शाउट करने लग गया. द मंकीज इमिटेटेड हिम एंड स्क्रीम्ड बैक. इमिटेट क्या होता है बेटा, इमिटेटेड क्या हो गया, इमिटेटेड फिर से पास्ट फॉर्म हो गई इमिटेट की. इमिटेट करना, नकल करना. मंकीज जो है वो इमिटेट करते हैं ना, नकल करते हैं ना, हमारी किसी की भी नकल करते हैं. तो मंकीज भी उसी की तरह इमिटेट करने लग गए, चीटिंग करने लग गए, उसी की नकल करने लग गए. और जैसे वो चिल्ला रहा था उन पे, वो भी चीखने लग गए. स्क्रीम बैक मीन्स चीखना, चिल्लाने लग गए उसके ऊपर वापस. द पॉटर वॉज वेरी एंग्री बाय दिस टाइम एंड पिकिंग अप अ स्टोन ही थ्रू इट एट द मंकीज. अब इस टाइम जो था, पॉटर को बहुत गुस्सा आ गया, और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैं तो उनको डांट लगा रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, और ये मेरी नकल करे जा रहे हैं. अब उसने क्या किया, उसने एक पत्थर उठा लिया और उसने मंकीज के ऊपर वो पत्थर फेंक दिया. क्रैश बैंग स्मैश. बिफोर द पॉटर कुड डू एनीथिंग द मंकीज हैड थ्रोन the pots down, scattering the pieces all over the ground. जब तक कि वो कुछ और सोचता समझता पॉटर या कुछ करता, उससे पहले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी.
कुछ टूटने की, बैंग क्रैश स्मैश ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लग गई। और जो मंकीज थे उन्होंने क्या किया, जो उसके क्यों आ रही थी आवाज़ें, उन्होंने जो पॉट्स थे ना उसके जो उनके हाथ में थे उन्होंने ऊपर से उठा के नीचे फेंकने शुरू कर दिए। ट्री के ऊपर चढ़ चुके थे मंकी, उन्होंने पॉट्स ऊपर से नीचे फेंकने शुरू कर दिए। जब वो पॉट्स नीचे गिरे तो वो मिट्टी के थे बने हुए, तो वो टूटने थे, वो तो टूट गए। टूटने से आवाज़ आ रही थी, कभी क्रैश कभी बैंग कभी स्मैश, तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। और उसके सारे के सारे पॉट्स जो थे वो टूट गए और उनके सब पीसीस जो थे, टुकड़े जो थे, वो सारे वहाँ पर बिखर गए। स्कैटरिंग मीन बिखर गए वहाँ पे ग्राउंड में। नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। लेट सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल फाइंड आउट द आंसर्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर वन इज, वेयर वॉज द पॉटर रिटर्निंग फ्रॉम। पॉटर कहाँ से आ रहा था। नाउ सी बेटा, सी द आंसर। पॉटर रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन आफ्टर सेलिंग हिज जग्स एंड कार्स जार्स। अब देखो यहाँ पे क्या है आंसर, क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, वेयर वॉज द पॉटर रिटर्निंग फ्रॉम, कि कहाँ से आ रहा था। तो आंसर ये है ना, ये देखो यहाँ पे पॉटर रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन, दैट मीन्स हमने क्या लिखना है, द पॉटर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन आफ्टर सेलिंग हिज जग्स एंड जार्स। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नाउ चिल्ड्रन सी क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द मंकीज डू। मंकीज ने क्या किया। नाउ सी चिल्ड्रन, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या किया था मंकीज ने, ये देखो ये लिखा है ना, हेयर इज आंसर, सम मंकीज स्टोल हिज पॉट्स एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री। अब हमने यहाँ से आंसर लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, मंकीज स्टोल द पॉटर्स पॉट्स एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री। उन्होंने उसके पॉट्स चुराए और पेड़ पर चढ़ गए। नाउ चिल्ड्रन सी क्वेश्चन नंबर थ्री, How did the potter react? जब उसने मंकीज को देखा कि उसके पॉट्स चुरा लिए उन्होंने, तो उसने कैसे रिएक्ट किया, क्या किया पॉटर ने। Now see beta, here is the answer. ये देखो, He shook his fist and shouted at the monkeys. अब क्या आंसर लिखेंगे हम, हम लिखेंगे The potter shook his fist and shouted at the monkeys. उसने यही किया ना कि उसने फीस्ट को अपनी शूक किया और मंकीज के ऊपर चिल्लाने लग गया। Now see beta, here is question number four. What happened when the potter threw a stone at the monkeys? जब पॉटर ने मंकीज के ऊपर स्टोन फेंका तो क्या हुआ। Now see what happened when the potter थ्रू द स्टोन एट द मंकीज। अब इसका आंसर कहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से देखिए लास्ट में, ये है ना, क्रैश बैंग स्मैश बिफोर द पॉटर कुड डू एनीथिंग द मंकीज हैड थ्रोन द पॉट्स डाउन स्केटरिंग द पीसेस ऑल ओवर द ग्राउंड। यहाँ से हम आंसर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द मंकीज थ्रू All the pots down and they broke and the pieces of the pots scattered all over the ground. इस तरह से हमने इसका आंसर फ्रेम करके लिखना। Now see question number 5, the last question. Find words in the passage which are the past tense of steal, happen and throw. अब हमने यहाँ पैसेज में से स्टील हैपन एंड थ्रो के पास्ट टेंस ढूंढने। नाउ चिल्ड्रन सी, हेयर इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टील। ये देखो ये है ना, यहाँ पे सम मंकी स्टोल हिज पॉट्स एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री। अब ये स्टोल वर्ड जो है, दिस इज द वर्ड, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टील। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हैपन। अब हैपन के लिए देखिए, When the potter woke up and saw what had happened, he was furious. अब यहाँ पे जो happened word है, ये word
This is the past tense of happen. And the last word is throw. Throw word का हम यहाँ पे find out करेंगे past tense. ये देखिए, here it is. He threw it at the monkeys. यहाँ पे ये देखो, threw word है. Threw word is the past tense of throw. अब हम इसका आंसर कैसे फ्रेम करेंगे? The past tense of steal is stole. Happen is happened. And past tense of throw is threw. ठीक है, like this we have to find out and frame the answers from the passage. Now children, I'll give you a paragraph for practice. Now this is passage for practice. You have to read the passage carefully and then answer the questions. First of all, I'll read and explain the passage for you. मैं अभी आपको explain कर देती हूँ, इसके बाद question answers आप खुद से करोगे. Butterflies are a feast to the eyes. Butterflies जो हैं वो हमारी आँखों को बहुत लुभाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं. They are really pretty and colorful. वो सचमुच में बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं. They fly from one flower to another. वो एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर पर घूमती रहती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर. They can be found in great numbers in parks, gardens and even fields. वो बहुत सी बटरफ्लाइज जो हैं हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? पार्क्स में, गार्डन्स में, फील्ड्स में. फील्ड क्या होते हैं? खेत, जहाँ पे क्रॉप्स लगाई जाती हैं, अनाज होता है ना, हमारी फसलें होती हैं, सब्जियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत पाई जाती हैं बटरफ्लाइज. देयर फ्लाइंग रेंज इज़ वेरी लॉन्ग. उनकी जो रेंज होती है उड़ने की, वो बहुत लंबी होती है, वो बहुत लंबी लंबी उड़ान भर सकती हैं. लाइक बर्ड्स दे फ्लाई साउथ ड्यूरिंग द विंटर टू स्पेंड देयर टाइम इन वार्म प्लेसेस. जैसे बर्ड्स होते हैं उसी तरह से, बर्ड्स की तरह बटरफ्लाइज भी साउथ में विंटर के समय जाती हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सर्दी के टाइम, विंटर के टाइम वहाँ पे थोड़ी गर्माहट होती है, गर्मी होती है थोड़ी, तो वो वहाँ पे चली जाती हैं. द माइल्ड स्प्रिंग ब्रिंग्स देम बैक होम. जब हल्की सी, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, हल्का सा जब जो है बसंत का मौसम स्टार्ट होता है, स्प्रिंग बसंत होता है, बसंत का मौसम स्टार्ट होता है, तो वो उस समय अपने घर वापस आ जाती है, नॉर्थ में अपने घरों में वापस आ जाती हैं. बटरफ्लाइज लव टू लिव अराउंड फ्लावर्स. बटरफ्लाइज जो हैं उनको फ्लावर्स के आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता है. बटरफ्लाइज फ्लावर्स को पसंद करती है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स के आसपास रहना. दे गो टू देम फॉर देयर नेक्टर. वो फ्लावर्स के पास क्यों जाती हैं? उसका नेक्टर जो है उसको सक करने के लिए, चूसने के लिए. नेक्टर क्या होता है बेटा? फ्लावर्स में से जो जूस निकलता है उसको नेक्टर बोलते हैं. तो वो बटरफ्लाईज को बहुत पसंद होता है, वो फ्लावर्स के पास इसीलिए जाती हैं. अ पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ ईच बटरफ्लाई इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब. हर बटरफ्लाई का माउथ जो होता है, मुंह जो होता है, उसका पार्ट होता है वो कैसा होता है? एक लॉन्ग ट्यूब जैसा होता है, जैसी ट्यूब होती है वैसा होता है. इट इज यूज्ड जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ टू सक द नेक्टर आउट ऑफ फ्लावर्स. इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैसे किया जाता है? बटरफ्लाइज इसको यूज़ करती हैं स्ट्रॉ की तरह, अपना जो नेक्टर है फ्लावर्स का उसको सक करने के लिए, फ्लावर्स का जूस जो है वो पीने के लिए वो स्ट्रॉ की तरह इसको यूज़ करती हैं. आप कभी भी कोई ड्रिंक्स वगैरह लेते हो तो स्ट्रॉ से पीते हो ना, तो उसको सक करते हो ना, इसी तरह से बटरफ्लाईज का भी ट्यूब जैसा जो होता है माउथ के अंदर, तो उससे वो सक करती हैं. बटरफ्लाईज लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट मैनी ऑफ देम लिव लॉन्ग
enough to make migratory trips. बटरफ्लाइज जो हैं वो थोड़े समय के लिए ज़िंदा रहती हैं, उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है लेकिन इतनी काफ़ी होती है उनकी माइग्रेटरी ट्रिप्स लगाने के लिए। माइग्रेशन क्या होता है बेटा, माइग्रेटरी ट्रिप्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना, क्योंकि वो जैसे वार्म प्लेसेस में चली जाती है ना विंटर्स में, तो वो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो इसके लिए उनके पास सफिशेंट टाइम होता है। द चीफ अमंग देम इज द मोनार्क बटरफ्लाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इनके बीच में जो इनकी हेड होती है, जो चीफ होती है, वो मोनार्क बटरफ्लाई कहा जाता है उसको, और वो नॉर्थ अमेरिका में होती है, वहाँ पाई जाती है। चिल्ड्रन नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। बेटा जो पैसेज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर वन, हु आर ब्यूटिफुल टू आइज। आइज को बच्चे क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है इसको। नंबर टू, वेयर आर बटरफ्लाइज फाउंड। बटरफ्लाइज कहाँ पे पाई जाती हैं। नंबर थ्री, व्हाई डू दे लाइक टू गो टू फ्लावर्स। बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स के पास जाना क्यों पसंद करती हैं। नंबर फोर, वेयर इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई फाउंड। मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ पाई जाती है। इनके आंसर्स बच्चे आप पैसेज में से ही फाइंड आउट करोगे। टुडे वी कवर पैराग्राफ राइटिंग ऑल्सो। लेट्स राइट अ पैराग्राफ। चिल्ड्रन टुडे वी विल राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माय फेवरेट फेस्टिवल। वैसे तो सबके फेवरेट होता है कोई ना कोई फेस्टिवल, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। आप अपनी मर्जी से भी कोई अपना फेवरेट फेस्टिवल लिख सकते हो, बट आई हैव रिटन हियर दिवाली। ठीक है, आपको अगर ये वाला लिखना है तो यू कैन राइट दिस वन। इफ यू वॉन्ट टू राइट अदर वन देन यू कैन राइट। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत जो है त्योहारों का देश है। मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। यहाँ बहुत से फेस्टिवल्स जो हैं, बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। आई लव टू सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स बट माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। मुझे हर कोई त्यौहार मनाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरा जो फेवरेट फेस्टिवल है वो दिवाली है। द डे इज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। दिवाली का दिन बहुत ही खुशी और मस्ती भरा होता है। एवरीवन वेट्स फॉर दिस फेस्टिवल। हर कोई इस त्यौहार का इंतजार कर रहा होता है। टू अराइव, इस त्यौहार के आने का सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसको हम लाइट्स का त्यौहार, दियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार भी बोलते हैं। वी सेलिब्रेट दिस बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा हैड रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एक्साइल विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। इस दिन भगवान राम जो है वो अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काटते। एक्साइल मीन्स वनवास, कि वो 14 साल तक वहीं पे रहे, वन में रहे, जंगलों में रहे। तो जंगलों में रहने को क्या बोलते हैं, एक्साइल। किसके साथ रहे, अपनी वाइफ सीता और ब्रदर लक्ष्मण के साथ वो इस दिन वापस आए थे। द पीपल ऑफ अयोध्या वेलकम्ड देम। इस दिन जो अयोध्या के लोग थे उन्होंने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। दिस फेस्टिवल रन्स फॉर 5 days इन ऑल। ये त्यौहार जो है 5 दिन तक मनाया जाता है। पता है आपको बेटा 5 दिन तक होता है। एक दिन धनतेरस होती है, फिर नेक्स्ट डे छोटी दिवाली होती है, फिर दिवाली होती है, फिर जो है गोवर्धन पूजा होती है नेक्स्ट डे, फिर लास्ट में क्या होता है पांचवें दिन भैया दूज होती है। तो 5 दिन तक ये फेस्टिवल कंटिन्यूटी में चलता रहता है। पीपल परफॉर्म सेवरल रिचुअल्स एंड आर। रिचुअल क्या होते हैं बेटा, रिचुअल होते हैं हमारे जो धार्मिक काम हम करते हैं, जो हमारे जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं हम उसको बोलते हैं। इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रिपरेशंस। लोग जो हैं वो तरह तरह के धार्मिक कर्मकांडों में, क्रियाकलापों में
और जो है और भी कई तरह की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं. They lit candles and diyas in their houses and make beautiful rangolis. वो अपने घरों को दिया और कैंडल से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर सुंदर रंगोली से भी अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. Children celebrate the festival by burning crackers in the evening. शाम के समय बच्चे इस फेस्टिवल को क्रैकर्स बर्न करके, क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे, पटाखे चलाकर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. द लाइट्स ऑन दिस डे सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ एंड लाइट ओवर डार्कनेस. इस दिन जो ये लाइट्स हैं, इतनी सारी जो हम लाइट्स जो चलाते हैं वो क्या सिंबलाइज करती हैं, क्या प्रतीक वो करती हैं, वो विक्ट्री ऑफ ट्रुथ सच्चाई की जीत और लाइट ओवर डार्कनेस और अंधेरे पर प्रकाश की जीत को वो दिखाती हैं हमें, वो सिंबलाइज करती हैं, उजागर करती हैं कि सच्चाई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है और अंधेरे के बाद हमेशा जो है अंधेरे पर रोशनी की जीत होती है, हमेशा जो है प्रकाश, अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है. दिस डे टीचेस अस टू स्टे अवे फ्रॉम बैड एंड डू गुड डीड्स. ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए. टू फॉलो राइट पाथ टू लीड हैप्पी लाइफ. ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो है अच्छे काम करने चाहिए, सही राह पर चलना चाहिए ताकि हम अपना खुशी खुशी जीवन जी सकें. इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू आवर नियर एंड डियर वंस. ये त्यौहार हमें अपनों से करीब लाता है, अपनों के करीब लाता है, पास लाता है. इट टीचेस अस ग्रेट लेसंस ऑफ यूनिटी पीस एंड ब्रदरहुड. ये हमें बहुत से जो है हमें सीख देता है, बहुत सी सीख देता है. किस किस चीज़ की? यूनिटी की, एकता की, पीस की. पीस क्या होता है? शांति की. और ब्रदरहुड भाईचारे की, एक साथ मिलजुल कर एक साथ जो है खुशी खुशी शांति से रहने का भी हमें ये संदेश देता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नाउ यू हैव टू राइट ऑन अदर टॉपिक. Now it's time for homework. Children, you have to do comprehension for practice. बेटा जो मैंने आपको comprehension दिया है ना, passage for practice, वो आपने लिखना है, वो करना है आपने, solve करना है. And write a paragraph on my favorite season. मैंने आपको दिवाली लिखवाया ना, my favorite festival, तो आपने अपना paragraph लिखना है, my favorite season. जो भी season आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखेंगे. That's all for today. See you very soon in our next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye.